सिंगरौली स्थित बलियरी की रिहंद नदी में रात से लेकर सुबह तक ट्रैक्टर से अवैध रेत निकालने का काम चलता रहता है, जिससे परेशान होकर बलियरी क्षेत्र के वार्ड वासियों ने जिला प्रशासन से कार्यवाही की मांग की है। बलियरी के रहवासियों का कहना है कि अवैध रेत कारोबारियों की ट्रैक्टर इतनी रफ्तार से चलती है कि हादसा होने का खतरा बना रहता है। इन ट्रैक्टरों के चलने की वजह से स्थानीय लोग रात भर सो नहीं पाते हैं। क्षेत्र के लोगों ने कलेक्टर और जिला पुलिस से ट्रैक्टर और अवैध इकट्ठा की गई बालू को जब्त कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।